तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं हैवेल्स कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हैवेल्स कंपनी अलवर राजस्थान का। और इसका फुल डिटेल, जैसे कैसे ज्वाइनिंग होगा, कैसे जो है इसमें जो है भर्ती कैसे होता है, और क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना सैलरी मिलता है, उसके बाद इंटरव्यू कैसे होता है, तो ऑल डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे और कोई कंपनी का आने वाली वीडियो आपका आप पे वो नोटिफिकेशन जाए और आप वो वीडियो आप तक वीडियो पहुँचे। तो चलिए, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए मैं आता हूँ कंपनी पे और अपना मोबाइल स्क्रीन पे, और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हैवेल्स कंपनी में क्या सब जो है एजुकेशन रखा गया है और क्या इंटरव्यू होता है। तो भाई, यह भर्ती फ्री होता है। जो भी प्राइवेट कंपनी का जॉब आता है वो फ्री रहता है। जहाँ पे रुपया मांगता है वो फ्रॉड रहता है। ऐसे प्लेसमेंट के नाम पे हो, जो नाम पे हो, कंपनी का अगर जॉब नाम पे, प्राइवेट जॉब नाम पे रुपया अगर पहले मांगता है तो वो फ्रॉड, कहीं ना कहीं फ्रॉड है। तो आप लोगों को फ्रॉड के झांसे में नहीं पड़ना है। मैं आप लोगों को बार बार अपडेट करते रहता हूँ, पर डे एक वीडियो कम से कम पर डे अपडेट कर देता हूँ। भाई, मैं ड्यूटी भी करता हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो को एडिट कर देता हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो। तो कहीं पे आप लोगों को गेट पे विजिट करना है, कहीं कॉन्ट्रेक्टर अगर पैसा पैसा मांगता है वो फ्रॉड रहता है, उसके हाथ से नहीं पड़ना है। बहुत भाई कमेंट मुझे इंस्टा पे कर रहे हैं, मुझे 3500 रुपया फ्रॉड कर लिया गया श्रीराम पिस्टन के मतलब प्लेसमेंट के नाम पे। तो भाई, अब जॉब के नाम, जॉब से पहले अगर रुपया मांगता तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड रहता है। तो जो भी वैकेंसी आता है फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। चलिए, यह भर्ती फ्री आप लोगों को बता दिए। और बॉयज गर्ल्स दोनों का वैकेंसी होने वाला है भाई। वैकेंसी भी 200, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी है। ये कंपनी का नाम हैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि लोकेशन पर रहा भाई MIA अलवर राजस्थान में। पहले बता दिया, राजस्थान का कंपनी है अलवर राजस्थान का। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है केबल एंड वायर। तो हैवेल्स कंपनी में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होता है भाई। हैवेल्स का आप लोगों को फैन भी आता होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान आता होगा। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोडक्शन होता है। ऐसे मैं डिक्सन, चलिए डिक्सन के डिक्सन का वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पता होगा। डिक्सन में जो है अलग अलग डिक्सन में कहीं मोबाइल बनता है, कहीं लैपटॉप बनता है, कहीं वायर बनता है, मतलब कहीं पे जो है ये ब्लूटूथ बनता है, तो कहीं पावर बैंक बनता है। तो भाई, अलग अलग नाम रहता है डिक्सन, लेकिन जो है अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। तो वहीं है हैवेल्स में। तो हैवेल्स में जो कंपनी का मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कंपनी में वैकेंसी है, इसमें ओनली केबल एंड वायर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और संपर्क करें बॉयज एंड गर्ल्स। इंटरव्यू डेट होने वाला भाई 5-6 तारीख। तो पाँच को भी आ सकते हैं आप, 6 को भी आ सकते हैं। हालांकि इस कंपनी में जो है वैकेंसी चलते रहता है, तो आप कभी भी गेट पर विजिट करके या कॉन्ट्रेक्टर से बात करके कभी भी आप जा सकते हैं। और अभी फिलहाल भाई 5-6 को जो है ज़्यादा वैकेंसी होने वाला है, इसलिए जो है कंपनी जो वैकेंसी निकाल दिया है। तो 9 बजे तक आप लोगों को पहुंच जाना है कंपनी के गेट पे। उसके बाद कंपनी के गेट पे नंबर पहुंच के उसके बाद जो है आप लोगों को इस नंबर पर कॉल करना है। आप लोग जो है अगर कम्युनिटी में जाइएगा तो कम्युनिटी में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, नंबर से कॉल कर सकते हैं। तो हालांकि गेट पर जाइएगा तो अलग बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर मिल जाएंगे, तो कोई कॉन्ट्रेक्टर को पकड़ के आप लोग जॉब पा सकते हैं। तो मैं किसी कॉन्ट्रेक्टर के संपर्क में नहीं हूँ, और किसी कॉन्ट्रेक्टर से मैं रुपया भी नहीं लेता हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्टर का मैं नंबर आप लोगों को दूँ। तो चलिए, जो भी नंबर देता हूँ तो भाई कॉन्ट्रेक्टर ही मना कर देते हैं पब्लिश नंबर नहीं करने के लिए, तो मैं इसीलिए कम नंबर पब्लिश नहीं करता हूँ। और ये ड्यूटी 26 ड्यूटी 12 घंटे। तो हैवेल्स कंपनी जहाँ भी है, लगभग राजस्थान आप जाते हैं तो राजस्थान में लगभग 90% कंपनी में 12 घंटे ड्यूटी होते हैं। बहुत कम ही कंपनी, श्रीराम पिस्टन, बहुत कम ही कंपनी है जिसमें 8 घंटे ड्यूटी मिलेगा, नहीं तो लगभग कंपनी में 12 घंटे मिलेगा। 12 घंटे करिएगा तो ही राजस्थान में सैलरी आप लोगों को 15 से 20 हज़ार सैलरी बनेगा। वैसे भाई आपका सैलरी जो है वहाँ पे 10 हज़ार बनना भी मुश्किल रहता है। तो चलिए, 8th 10th 12th का मैं सैलरी डिस्कस कर लेता हूँ। तो 8th 10th 12th का सैलरी रखा गया 14,500 इन हैंड सैलरी आप लोगों को 12 घंटे का, 14,500 इन हैंड सैलरी 8th 10th 12th का। उसके बाद प्राइवेट ITI जो भी किया है, प्राइवेट ITI से जो भी मेरे भाई हैं उनका सैलरी बनने वाला है 15,471 इन हैंड। उसके बाद गवर्नमेंट ITI जो भी है उनका 16,546 रुपया, जो गवर्नमेंट ITI से उनका इन हैंड सैलरी 16,546 बनने वाला है। और जो डिप्लोमा है, BTech है, उसका जो है इंटरव्यू बेस रखा जाएगा आप लोगों को। हाईएस्ट चलिए आप लोगों को 16,546 रहेगा जो भी भाई डिप्लोमा किए हुए हैं। और अगर इंटरव्यू आप अच्छा से दीजिएगा, टेक्नीशियन में रखे और कोई हाई पोस्ट पे रखे, तो आप लोगों को सैलरी हो सकता है इंक्रीज कर दे अगर किन साथ आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो। तो ड्यूटी टाइम 12 घंटे होने वाला है। उसके बाद सैलरी इंटरव्यू बेस ऑपरेटर, तो आप लोगों को पहले ही बताया सैलरी। इसमें भी जो 10th 12th हैं, कहीं वर्क किए हैं, ऑपरेटर हैं और अच्छा वर्क का नॉलेज है, तो आप लोग जो इंटरव्यू जब दीजिएगा तो हो सकता है इससे भी सैलरी आप लोगों को इंक्रीज करके दो दे। तो ऑपरेटर का सैलरी भाई 20,000 से 50,000 तक होने वाला है। और जो भी भाई ऑपरेटर का वर्क कहीं किए हैं या आप इंटरव्यू देते हैं, तो 20,000 से 50,000 तक इस कंपनी में जो है सैलरी बन जाएगा, हैवेल्स कंपनी में बनने वाला है। ओनली एक्सपीरियंस, तो बता दिया एक्सपीरियंस जो भी हैं अगर इंटरव्यू में आप पास होते हैं तो 20 से 50 हज़ार। वैसे फ्रेशर के लिए भाई खास इंटरव्यू नहीं होता, आप चाहिएगा डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद जो है आपसे बस एजुकेशन डिटेल और
जो है होम डिटेल के बारे में पूछेगा और बस आप लोगों को सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अगर आप लोग एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा उस कंपनी में क्या काम कर रहे थे। अधिकतर फ्रेशर के लिए यही रहता है, पूछेगा कि इससे पहले आप कहाँ वर्क कर रहे थे। आप कह दीजिए कहीं जॉब नहीं कर रहे थे, मैं फ्रेशर हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, सिलेक्शन कर लिया जाएगा। वहीं कह देते कहीं वर्क कर रहे थे तो उसके बारे में, कंपनी के बारे में, वर्किंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मतलब क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पूछेंगे। तो आप लोग अगर कहीं पे कोई कंपनी में जाते हैं तो फ्रेशर है तो कह दीजिए बस फ्रेशर है, कहीं एक्सपीरियंस है तो लगाइए एक्सपीरियंस है। तो चलिए, ऑपरेटर का जो है अलग अलग पोस्ट रखा गया है, आर्मोरिंग, आर्मंड, एक्सट्रू, लाइंग, सीसीबी, जो भी हैं जो ऑपरेटर का वर्क किए हैं। मैं भी फिलहाल ऑपरेटर का वर्क किया हूँ संधार कंपनी में, तो जो भी ऑपरेटर किए हैं ये वर्क के बारे में जानते होंगे। और इसमें PI PSI दोनों सुविधा है। और भाई मैं बता दूं, इसमें जो है आप लोगों को जो भी जाइएगा डॉक्यूमेंट, आप लोगों को मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और डिग्री ओरिजिनल, तो हैवेल्स कंपनी में जो भी भाई जाते हैं वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही जाइएगा। उसके बाद बस का सुविधा भी है, बस का सुविधा आप लोगों को मैं रूट में बता दूँ, राजीगढ़ माला, उसके बाद केरा, पिनान, रानी, तो जो भी है मैं आप लोगों को अलवर नगर, लक्ष्मणगढ़, तो मैं ये जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग बस का रूट, क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, पोस्ट के बारे में, तो ऑल जितना मैं बताया ऑल डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे जो भी भाई कम्युनिटी में जो है मेंबरशिप मेरा लिए हुए हैं, मेंबरशिप हैं, वो जो है कम्युनिटी में कल ही मैं पोस्ट कर दिया था, तो वो आप लोग जो है देख लिए होंगे, वहीं पोस्ट आप लोगों को जो है अभी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो राजस्थान के और से कंपनी का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसमें कोई इशू हो, कोई मतलब हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और मैं मिलते रहूँगा इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।